मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज है सकलेशपुर में हम लोगों का सेकेंड डे और हम रिसोर्ट से थोड़ा बाहर आए और बाहर का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं रिसोर्ट से और अभी बजा है 9:17। तो हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट मलाली फॉल्स। तो गाड़ी को पास दे रहा था अभी यहाँ से, इट्स अराउंड 25 किलोमीटर्स, लगने वाला है 40 मिनट और फिर वहाँ से बेसिकली थोड़ा सा ट्रैकिंग है, कुछ ट्रैकिंग नहीं, वो स्टेप्स हैं बहुत ज़्यादा, कुछ 500-600 स्टेप्स हैं। वेदर को देखते हुए अभी क्लियर है मौसम, थोड़ा सा क्लाउड है तो शायद ऐसे 12-1 बजे तक बारिश चालू होगा, तो फिर देखते हैं। मनाली तक तो बारिश शायद नहीं मिलेगा बट उसके बाद हमें बारिश मिलने वाली है, तो चले बने रहिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस एडवेंचर। आज सकलेशपुर में हम लोगों का डे टू है। कल हम लोग सकलेशपुर पहुंचे थे और कुछ कुछ चीजें भी कवर किए थे, तो उसका जो पूरा व्लॉग है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पटलावेट्टा और बिस्ले घाट इधर है, अभी इधर मलाली के लिए। सकलेशपुर का जो फ्लेवर है वो ये छोटे छोटे मीडोज, छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स, ये सब है। तो आपको मॉनसून में ही यहाँ आना पड़ेगा टू एक्सपीरियंस दैट। आप देख सकते हैं रास्ते के साइड में कितने सारे छोटे छोटे फ्लावर्स है, ये भी आप अगर देखना चाहते हैं तो सकलेशपुर में मॉनसून में जरूर आइए। किलोमीटर बाकी, लेकिन ये वाले व्यू को हम इग्नोर नहीं कर पाए। पूरा पहाड़ और ऐसा एक रास्ता, उधर वैली भी है, इधर कुछ फोटो शूट्स करेंगे और फिर निकलेंगे। हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। यहाँ से राइट ले लेंगे फॉर मलाली फॉल्स। हम पहुंच गए हैं मलाली फॉल्स के पार्किंग में। तो यह है पार्किंग, 20 रुपीज़ है पार्किंग चार्ज, टाइम कुछ नहीं है। अभी यहाँ से हम लोगों को फिर ट्रैक करना है स्टेप्स में। पीछे पहाड़, चारों तरफ पहाड़, पूरा जंगल के बीच। जो ड्राइव है वो तो आपने देखा ही है, मुझे लगता है अगर आपको पानी भी नहीं मिल रहा है वो ड्राइव के लिए आप आ सकते हैं यहाँ पर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बड़ा सा पहाड़, और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, 8:30 से 5 बजे तक खुला है मलाली फॉल्स। तो चलिए, आवाज़ आ रहा है ना, देखना है, चलिए। अभी हो चुका है पूरा क्लाउडी, शायद बारिश होगा अभी, थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा वो दिख रहा है बट मोस्टली क्लाउडी ही है। और हम पहुंच चुके हैं एकदम मलाली फॉल्स के सामने, आपको भी दिखा।
यहाँ पर बारिश हो रहा है इसीलिए हम लोग रेनकोट पहन लिए, और इस पीछे वाले दुकान में हम लोगों ने लेमन सोडा खाए और बहुत कुछ मिलता है। हम लोगों ने इतना वीडियो देखा खाने की दुकान है या नहीं मलाली फॉल्स के सामने, फिर कोई वीडियो में नहीं दिखा। और वॉशरूम भी है, बेसिकली सब कुछ है। इट्स अ ग्रेट प्लेस टू विजिट। यहाँ पे पुलिस स्टेशन इवन है, ठीक है, तो उतना अच्छा एक जगह है जो बेस्ट जो है। फल वल भी मिल जाएंगे और बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ राइट, तो कुछ इशू नहीं है। इट्स नॉट लाइक मिडिल ऑफ नोवेयर, इट्स ग्रेट प्लेस, एवरीवन शुड विजिट। तो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं बिस्ले घाट। एग्जैक्ट इसी रोड से हम लोग गए हुए थे और अब जब वापस आ रहे हैं तो इसका व्यू पूरा चेंज हो चुका है। जो पहाड़ है उसके टॉप्स दिख नहीं रहे और ग्रीनरी एकदम उभर के बाहर आ रहा है। व्हाट अ साइट। सुबह हम लोग इसी तरफ से गए थे, हम लोग लेफ्ट ले लिए थे मलाली के लिए। अभी फिर यहाँ से आगे जा रहे हैं पटला बेट्टा और बिस्ले घाट के लिए। ये पटला बेट्टा का एंट्री पॉइंट था, तो लेकिन हम अभी रुकेंगे नहीं क्योंकि बिस्ले जाना है। बिस्ले देख के फिर पटला बेट्टा करेंगे क्योंकि पटला बेट्टा पास में है, बिस्ले इज मोर इम्पोर्टेंट। तो चलते रहिए, एंजॉय दिस। वेदर अभी बहुत अच्छा हो चुका है, पानी है रास्ते पे बट धूप भी निकल आई है, इट्स ग्रेट। अभी यहाँ जाएंगे ना? हाँ अभी इधर चलेंगे। 20 rupees पर हेड का टिकट है और पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पार्किंग को लेकर झिकझिक है नहीं, लोग कहीं पे भी पार्क कर रहे हैं। और जगह है जो नॉर्मल रोड है वो उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बट ये जो व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे रोड्स आर प्रीटी ब्रॉड। अंदर चलते हैं। और यहाँ भी टॉयलेट है। यहाँ पर थोड़ी देर में खाने का दुकान है, सब कुछ है, होटल है, कोई टेंशन का बात नहीं है। और व्यू पॉइंट हम लोग पहुँच चुके हैं। ये एक है उधर और एक है इधर आगे, पहले से फेंस का ज़रूरत है क्योंकि जो ड्रॉप है ना वो नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और एक चीज़ बोलने वाली बात है, वहाँ पे ना एक वाटरफॉल दिख रहा है, पता नहीं वो मलाली है दूसरा है, गूगल करना पड़ेगा। फिलहाल तो आप देख। अभी एक स्पेशल व्यू हमें देखने को मिल रहा है, उधर बारिश हो रहा है और इधर एकदम खाली कुछ नहीं। इसी के साथ यहाँ पे भी बहुत जोर से बारिश चालू हो चुका है। यहाँ से वो ड्रॉप सही से दिख रहा है, वहां पर एक वाटरफॉल है, इस तरफ भी आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि वो मलाली फॉल्स है, तो हमें एक्चुअली एक वाटरफॉल यहाँ पे और दूसरा वाटरफॉल उस तरफ दिख रहा है। एंड दिस इज द व्यू। और मॉनसून में ही ये वाला मिलता है, ये वाला और दूसरे टाइम में नहीं मिला। जैसे अभी और हम लोगों ने पूरा भीग भीग धूप वाला व्यू दिखा दिया और बारिश वाला भी व्यू दिखा दिया।
We are actually lucky to get both of the views. ये है व्यू और अभी हम पूरा क्लाउड के अंदर है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, हम एक्चुअली पूरा क्लाउड के अंदर है। फिलहाल हम बिस्ले घाट से निकल चुके हैं, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। वेस्टर्न घाट का जो ब्यूटी है वो मॉनसून में एकदम उभर के बाहर आता है और उस पर बाइक राइड करने का मजा ही कुछ और है। अभी हम पहुंच चुके हैं मनकानाहल्ली, वही लिखा है ना, मनकानाहल्ली करेक्ट, ये ब्रिटिश लोगों ने बोला। तो ये जो पोल है इसके ये साइड में जितना भी बारिश हो रहा है ना वो सब अरेबियन सी में जाएगा और ये साइड जितना भी है वो बे ऑफ बंगाल में जाएगा। तो ये एक ऐसे बोल सकते हैं कि ये अगर वेस्टर्न घाट्स है तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ से इस तरफ है अरेबियन सी, जहाँ पे मतलब जो पानी आता है वो इधर अरेबियन सी में जाता है और यहाँ से जितना भी पानी इस तरफ आता है वो सब बे ऑफ बंगाल में जाती है। ये एक चीज़ जो हमारे सकलेशपुर में बहुत फेमस है, बट लाइक लोग क्या करते हैं मोस्टली वो नॉर्दर्न साइड दिखाते हैं, ये वाला साइड उतना कवर करते नहीं है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सकलेशपुर का। तो पटलावट्टा लिखा हुआ है उधर, पटलावट्टा के पास हम लोग पहुँचे हैं, ऐसे वाले गाड़ी में चलेंगे, 1000 rupees ले रहे हैं फॉर होल जीप बेसिकली। तो ठीक है चलते हैं, देख के आते हैं, अराउंड हाफ एन आवर उधर रहेगा बोला, तो चल ये ठीक है। हम लोग पकड़ चुके ले के, अभी अभी चालू हो रहा है, पूरा रेडी, बारिश बंद हो गया अचानक से, ठीक है। आगे देखो आगे, पकड़ के रखो रे, पकड़ के रखो। ओहो उल्टी करता है सर, बोला भी इसको याद आ गया। देखे ना बारिश में ही इसका मजा है। रोड देखो भाई, वो रहा मलाली फॉल्स, दिस इज द व्यू। हम लोग पटलावट्टा पहुंच चुके हैं, अभी जस्ट बारिश खत्म हुआ, पूरा ऐसा क्लाउड है एंड दैट्स पटलावट्टा। मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि थोड़ा धूप भी निकल रहा है, हाँ मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि ऐसा एक पहाड़ होगा, बट इतना अच्छा व्यू नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एवरीवन शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस, और 1000 rupees कुछ भी नहीं है। राइट राइट, मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं, और यहाँ पर बाइक लेके आना सेफ नहीं है। Thank you.
हमारा वापस जाने का जर्नी। पटला बेटा टॉप जो है उसके सामने वाला जो एक छोटा सा स्ट्रेच है वो बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा स्लीपरी हो जाता है, उस वजह से इट्स नॉट रिकमेंडेड टू ट्रैवल बाय बाइक। इवन हमारे सामने ये जो फोर व्हील ड्राइव जीप दिख रहा है वो स्टक हो गया था मड के वजह से वहां पे। ये जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, टायर लिटरली फिसल रहे हैं फिर भी दे आर कंट्रोलिंग द जीप। सकलेशपुर से वापस आने के बाद हमें कुछ न्यूज मिले कि देर वॉज सम इश्यू विद द ड्राइवर्स इन पटला बेट्टा, बट हमें पर्सनली वैसा कुछ नहीं लगा, इट्स प्रिटी सेफ, द ड्राइवर्स आर वेरी गुड। पटला बेट्टा एक्सप्लोर्ड तो 1000 rupees ही लिया, कुछ टिप वगैरह कुछ नहीं है, विच इज ग्रेट थिंग। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये रहती है, यहीं पे मिल जाएगा मेन रोड से, इट्स द बेस्ट एंड कन्वीनियंट विदाउट स्क्रैचिंग योर बाइक। दोपहर को लंच नहीं हुआ इसलिए ऑमलेट खा रहे हैं दोनों। एंड वी आर बैक टू आवर बेस, आवर रिसोर्ट इन सकलेशपुर। आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीक के व्लॉग में हम लोग यहाँ से कुशलनगर जा रहे हैं जो कूर्ग के पास है, एंड द एक्साइटमेंट अवेट्स। अभी तक देख लिया तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कुछ अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।